नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश स्वराज करियर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चैताली पाटिल। आज हम जानेंगे कि फार्मेसी का क्या महत्व है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या कोर्सेज होते हैं और अगर बच्चे चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना है तो किस तरीके से एडमिशन इसमें ले सकते हैं। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रीना शिंदे, फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल। रीना मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। नमस्ते मैम। रीना जी, सबसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि आखिर फार्मेसी है क्या? मैम, ये जो फार्मेसी सब्जेक्ट है, फार्मेसी जो कोर्स है हमारा, वो हमारा इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेडिकल साइंस। इट इज़ अ ब्रिज बिटवीन द मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी न्यू इन्वेंशन हो रहे हैं हमारी मेडिसिन फॉर्मुलेशन की फील्ड में, और इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है वो है हमारे मेडिकल लाइन में। तो ये दोनों ही स्ट्रीम के बीच में क्या है, एक ब्रिज का काम करती है फार्मेसी। फार्मेसी मीन्स अगर हम किसी ड्रग मॉलिक्यूल या किसी दवाइयों को, ड्रग मीन्स मेडिसिंस, दवाइयाँ, हम मेडिसिंस को अगर डेवलप कर रहे हैं तो वो डेवलपमेंट से लेकर उसके न्यू APDI एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, न्यू मॉलिक्यूल डेवलपमेंट से लेकर उसका बॉडी में जाकर रिलीज एक्शन प्रोड्यूस करने तक जो भी पूरी जर्नी है, दैट इज कॉल्ड कमिंग टू दी फार्मेसी। जी, और बात की जाए अगर फार्मेसी के कोर्सेज की तो कौन कौन से फार्मेसी के कोर्सेज होते हैं? जी मैम, फार्मेसी फील्ड में मैम मेनली जो है डी फार्मेसी कोर्सेस है, बी फार्मेसी कोर्सेस है, एम फार्मेसी कोर्सेस है। डी फार्मेसी जो होता है मैडम डिप्लोमा इन फार्मेसी फील्ड में, बैचलर इन फार्मेसी एंड मास्टर्स इन फार्मेसी, ये जो तीन मेनली कोर्स है वो हम फार्मा फील्ड में कंडक्ट होते हैं। और इसके बाद अगर हायर एजुकेशन में हम जाएं तो PhD भी फार्मास्यूटिकल साइंस के फील्ड में की जा सकती है। जी, और अगर बात करें कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी के लिए जो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि PCB के तो स्टूडेंट्स कर ही सकते हैं, उसके अलावा कौन कौन सी फील्ड के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? जी मैम, मैम फार्मेसी के लिए जो अप्लाइंग स्टूडेंट का क्राइटेरिया होता है वो PCM, दोनों ही फील्ड के बच्चे फार्मेसी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो स्ट्रीम होता है, वो दोनों ही स्टूडेंट फार्मेसी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों का स्ट्रीम बायो बैकग्राउंड होता है, हम उन्हें डिग्री कोर्सेज या डिप्लोमा कोर्सेज में फर्स्ट ईयर में मैथ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री इंप्लीमेंट्री उनको पढ़ाते हैं ताकि उन्हें मैथमेटिकल नॉलेज भी साथ में हो। और जिन बच्चों का बैकग्राउंड बायोलॉजी से, जिन बच्चों का बैकग्राउंड मैथ से होता है, जो 12th में मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, हम उन्हें फर्स्ट ईयर में बायो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशनल स्टडी देते हैं, जिससे कि उन्हें बायो साइंसेज की ग्रुप या बायो के जो नॉलेज है वो गेन कर पाए। रीना जी, बी फार्मेसी और डी फार्मा, इसमें क्या डिफरेंस होता है? और एक फार्म डी भी होता है, तो तीनों का अगर डिफरेंस हम जाने तो इनमें क्या अंतर होता है? जी मैम, मैम ये तीनों ही अलग अलग कोर्सेज होते हैं। डी फार्म की अगर हम बात करें, डिप्लोमा इन फार्मेसी, तो ये जो कोर्सेज है वो 2 ईयर का कोर्सेज होता है मैम। इसमें जो लगभग स्टूडेंट जो स्टडी करते हैं वो 11 सब्जेक्ट 2 साल में बच्चे स्टडी करते हैं। फर्स्ट ईयर में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और सेकेंड ईयर में 5 सब्जेक्ट होते हैं। 2 साल के कोर्सेज के बाद स्टूडेंट्स को लगभग 3 मंथ का एक ट्रेनिंग ड्यूरेशन दिया जाता है, जिसमें वो हॉस्पिटल्स या किसी पर्टिकुलर फार्मेसी शॉप पर जाकर अपना ट्रेनिंग ड्यूरेशन कंपाइल करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन साइकिल होता है वो डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए होता है। अब बात करते हैं मैडम हम बी फार्मेसी यानी कि बैचलर इन फार्मेसी कोर्सेज की। तो बैचलर इन फार्मेसी कोर्स जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है मैम। इसमें हम लगभग 40+ कोर्सेज बच्चों को स्टडी कराते हैं। 2 से 3 कोर्सेज हमारे एडिशनल भी होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया फर्स्ट ईयर में हम मैथ्स या बायो बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाते हैं। कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल कोर्सेज भी होते हैं जो हम उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए उन्हें एडिशनल सब्जेक्ट्स की नॉलेज देते हैं। तो ये इसमें लगभग हम 40+ सब्जेक्ट्स की इनको स्टडीज देते हैं बच्चों को, और ये 4 साल का कोर्स होता है मैम। 4 साल के बाद जब बच्चा फाइनल ईयर में आता है तो हमने इसमें बच्चों को एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया है कि बच्चा बाहर जाकर इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट देखे और वहाँ का जो वर्किंग स्टाइल है वो सीखे, ताकि वो फार्मेसी फील्ड में एक्चुअल में जो प्रोडक्शन और फॉर्मुलेशन होती है उनको गेन कर पाए और अपने नॉलेज को ब्रॉड कर पाए। जी, जैसे अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स कभी कभी डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि फार्मेसी भी टफ होगी एज लाइक डॉक्टर की जो MBBS फील्ड होती है उसके, क्योंकि जैसे नाम होते हैं दवाइयों के तो वो भी डर जाते हैं कि नहीं, दवाइयों के नाम बहुत बड़े बड़े हैं तो स्टडी करने में हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज आएगी। तो ऐसे में स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे स्टूडेंट्स को? मैम देखिए, स्टडी पर तो कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। बच्चा अगर
पैशनेट है, सीरियस है अपने एजुकेशन को लेकर, तो वो डेफिनेटली उसे ग्रो अप करेगा, अपनी स्टडी को इम्प्रूव करेगा। और मैम ऑब्वियसली बात है, मेडिसिन के नाम है थोड़े से टिपिकल तो होते हैं, लेकिन जब हम उस फील्ड में आ जाते हैं तो हम जैसे कोई भी फील्ड अगर होती है, जब हम उस ट्रैक को पकड़ लेते हैं, चल आ जाते हैं उस पर, तो धीरे धीरे हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। उन मेडिसिन के नाम हम डेली क्लासेस में, डेली उनके रूटीन लाइफ्स में, मेडिसिन का क्लासिफिकेशन है, उनका जो भी प्रोफार्म है, उनके अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो सारे हम उनको स्टडी कराते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे उसका हैबिचुअल हो जाता है। तो इसमें कोई घबराने या डरने की बात नहीं कि बच्चा उसको कैच कर पाएगा या नहीं, मेडिसिन के नाम उन्हें याद होंगे या नहीं, या वो उस फील्ड को कैच होगा, एलैबोरेट कर पाएगा या नहीं, ये मतलब कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। हम बच्चों को इतना ट्रेन और इतने अच्छे से उनको टीच आउट करते हैं कि वो सारी चीजों को इजीली वार्म अप कर लेते हैं। रीना जी, जिस तरीके से बी फार्मेसी जो है वो 4 सालों का है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी होता है, तो थ्योरी में क्या दवाइयों से रिलेटेड रिसर्च भी कराई जाती है? जैसे कोविड काल में भी हमने देखा था कई ऐसे कॉलेजेस थे फार्मेसी से रिलेटेड जिन्होंने मेडिसिन जो है वो इन्वेंट की थी, रिसर्च की थी, तो ऐसे में क्या अब भी जो कॉलेजेस हैं उनमें ये प्रोसेस कराई जाती है? जी मैम बिल्कुल, विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज फार्मेसी किसी काम का नहीं है मैम। हमारा जो मेन फोकस होता है वो बच्चों की प्रैक्टिकल नॉलेज ही इम्प्रूव करना है। जब तक हम फॉर्मुलेशन डेवलप करना नहीं सिखाएंगे, उनके बेसिक डाउट्स क्लियर नहीं करेंगे, एक मॉलिक्यूल्स को कैसे मेडिसिन में कन्वर्ट किया जाता है, किसी भी रॉ मटेरियल को, हम घर में नॉर्मली मैम खाना भी बनाते हैं तो पहले हम रॉ मटेरियल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद ही उसका फाइनल जो डिश है उसको सर्व करते हैं। तो सिमिलर वैसे ही हमारे फार्मेसी फील्ड में भी होता है, जो रॉ मटेरियल, जो केमिकल इंडस्ट्री से हमें रॉ मटेरियल केमिकल्स मिलते हैं, उनको कंपाइल करके किस किस प्रोसेस के थ्रू हम फाइनली उनको मेडिसिन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उस फॉर्मुलेशन को कैसे डेवलप करना है, ये पूरा जो नॉलेज है हम उनको प्रैक्टिकल स्ट्रीम में ही देते हैं, प्रैक्टिकल ड्यूरेशन में ही सिखाया जाता है। तो विदाउट प्रैक्टिकल तो फार्मेसी का मतलब हम एवेज भी नहीं कर सकते कि फार्मेसी विदाउट प्रैक्टिकल हम उनको कुछ सिखा पाएंगे। रीना जी, अगर हम पोस्ट ग्रेजुएशन पे आए, जैसे हमने अभी बैचलर्स के बारे में जान लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में अगर स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि बी फार्मेसी फार्म बी करके उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज होती है और कौन से कोर्सेज है जिसमें वो जा सकते हैं? जी मैम, पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो मास्टर ऑफ फार्मेसी कोर्सेज हमारे पास है, हमारे भाभा यूनिवर्सिटी में भी मास्टर इन फार्माकोलॉजी एंड मास्टर इन फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट्स है, 2 स्ट्रीम अवेलेबल है जिसमें हम बच्चों को मास्टर्स की डिग्री अवेलेबल करवाते हैं। और इसमें मैम और भी कई सारे कोर्स, और भी कई सारी ब्रांचेस है, लाइक फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल मेडिसिनल केमिस्ट्री, QA, QC, R&D, बहुत सारे ऐसे सब ब्रांचेस हैं जो हम फार्मेसी में बच्चे इन फील्ड्स में जाकर अपना कैरियर बना सकते हैं। बच्चों का इंटरेस्ट अगर फॉर्मुलेशन में, जैसे कुछ बच्चे 4 साल का कोर्स करने के बाद, डिग्री फार्मेसी करने के बाद फॉर्मुलेशन में इंटरेस्टेड है, जिनको फॉर्मुलेशन बनाने में या फार्मास्यूटिक्स की ज्यादा नॉलेज है, वो बच्चे अपना कैरियर फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में बना सकते हैं, तो वो मास्टर इन फार्मेसी फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल स्ट्रीम के अंदर कर सकते हैं। और जो बच्चे रिसर्च इवैल्यूएशन या फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह फेजेस वगैरह की स्टडी करना चाहते हैं, ड्रग मॉलिक्यूल्स डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए अगर वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मोड ऑफ एक्शन क्या होता है ड्रग का, ड्रग बॉडी में जाके कैसे रिएक्ट कर रही है, ड्रग का रिएक्शन बॉडी के साथ क्या हो रहा है, कंपैटिबिलिटी वो एक दूसरे के साथ शो कर रहे हैं नहीं, ये जो सारी स्टडी है मैम वो फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर होती है। तो इस स्ट्रीम में इंटरेस्टेड बच्चे फार्माकोलॉजी से मास्टर्स ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं। और भी कई सारी स्ट्रीम है, जैसे QA, QC है, R&D, ये सारी भी स्ट्रीम जो है मैडम इंडस्ट्री लेवल पर बच्चों को बहुत हेल्प करती हैं और ये नॉलेज इलेबोरेट करती हैं उनकी वर्किंग स्किल को। तो ऐसे काफ़ी सारे और स्ट्रीम है, और भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर ये सारी ब्रांचेस अवेलेबल है। मेन हमारे जो भाभा यूनिवर्सिटी है वहाँ पर फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स ब्रांच अभी करेंट में अवेलेबल है। कोई भी स्टूडेंट अगर इसकी रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स चाहते हैं तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी रीना जी, जिस तरीके से अक्सर हमने देखा है कि फार्मास्यूटिक्स जो एक सब्जेक्ट है उसके तरफ सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का रुझान होता है, तो ऐसा क्या है क्योंकि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री नहीं, फार्माकोलॉजी नहीं, फार्माकोकोनोसी को नहीं चुनते और वो फार्मास्यूटिक्स की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं? सुटिक्स मैम, सुटिक्स क्या है, बच्चों को एक, जैसा आपने पूछा ना मैम प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बच्चे हम उनको कितनी प्रोवाइड करवा पाते हैं, कितना उनको स्ट्रीम दे पाते हैं, स्पेस दे पाते हैं, तो वही चीज़ है मैम। फार्मास्यूटिक जो है मतलब प्योर फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट है, जहां पर ड्रग मॉलिक्यूल के बेस से लेकर उसको फाइनल डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने तक का पूरा सफर हम उनको स्टडी करवाते हैं। तो वो चीज़ों में बच्चे को क्या है ज़्यादा इंटरेस्ट आता है,
वो ज्यादा, और मैक्सिमम फार्मा इंडस्ट्रीज जो है हमारे यहाँ जो अवेलेबल है वो सारी फार्मा इंडस्ट्रीज फॉर्मुलेशन बेस्ड इंडस्ट्रीज है, R&D भी है, काफी सारी इंडस्ट्री है जो रिसर्च डेवलपमेंट फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट इवेल्युएशन पे फोकस करती हैं, लेकिन मैक्सिमम फार्मा इंडस्ट्री जो है वो फॉर्मुलेशन बेस्ड इंडस्ट्री है। इसलिए बच्चे का फोकस जो होता है एक होता है कि मैं फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिक्स से एमफॉर्म करूं ताकि मुझे प्रोडक्शन में ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन खुले मिले। जी रीना जी, जैसे आप भी एक फैकल्टी है, अगर कोई स्टूडेंट्स अपना जो आगे का करियर है वो इसी में बनाना चाहता है टीचिंग एज अ फैकल्टी, तो उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं? बिल्कुल मैम, एकेडमिक भी एक ऑप्शन है फार्मेसी में अपना स्किल बिल्डअप करने का। एकेडमिक प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो उसमें बच्चे का मास्टर इन फार्मेसी किसी भी एक स्ट्रीम में होना चाहिए, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स में हो, कोलॉजी में हो, कोग्नोसी में हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हो, जिस भी स्ट्रीम में उसका मास्टर्स कंपलसरी होना चाहिए। फर्दर अगर और हायर एजुकेशन वो लेना चाहता है, जैसे कि PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंसेस होता है मैम, उसमें भी बच्चे हायर एजुकेशन ले सकते हैं। तो इन क्वालिफिकेशन के बाद जैसे बच्चा एकेडमिक्स में आता है तो वो B.Pharm बैचलर ऑफ फार्मेसी के बच्चों को टीच कर सकता है, आफ्टर PhD हम M.Pharm मास्टर इन फार्मेसी के बच्चों को टीच कर सकते हैं और काफी अच्छा स्केल अप और उनका जो सैलरी पैकेज है वो उन्हें मिलता है। जी, और अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट से डिग्री कर लेते हैं उसके बाद उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस है जॉब से रिलेटेड, इंडस्ट्री में, एकेडमिक्स में, और अगर देखें अलग अलग इलैबोरेट करें तो MR की भी एक जॉब होती है, तो ऐसे में उनके पास कितनी फील्ड्स है जॉब करने के लिए? क्योंकि अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फार्मेसी फील्ड को चूज करते हैं, बस एक ऑप्शन उनके पास नहीं होता है कि हमें अब कौन सी फील्ड में जाना है। बिल्कुल मैम, फार्मेसी करने के बाद काफ़ी सारी फील्ड्स ओपन हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हैं और प्राइवेट सेक्टर्स में भी हैं। बच्चे काफ़ी मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो क्या थॉट लेकर आते हैं कि यार फार्मेसी के बाद मुझे एक मेडिकल स्टोर खोलना है, मुझे लाइसेंस अपना चलाना है, रन करना है, एक शॉप ओपन करनी है। फार्मेसी का मतलब लोग लिमिटेड समझते हैं, जो बच्चे फार्मेसी फील्ड में हैं उन्हें तो इसका नॉलेज है, लेकिन लाइक उनके पेरेंट्स हैं या उनके कोई रिलेटिव्स हैं उन्हें उस चीज़ का इतना ज़्यादा अवेयरनेस या नॉलेज नहीं रहता है। तो उनके लिए मैं बता दूँ कि फार्मेसी करने के बाद हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में अपना करियर काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। लाइक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भी जॉब निकलती है, हॉस्पिटल्स में भी निकलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आप एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं, रजिस्टर फार्मासिस्ट का काम कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट में, R&D की भी मैम, रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती है। ये गवर्नमेंट सेक्टर्स के कुछ ऑप्शन थे जो मैंने अभी बताए हैं। प्राइवेट में मैम जैसे ये रिसर्च फॉर्मुलेशन में, प्रोडक्शन में जॉब्स होती है इंडस्ट्रीज के अंदर, मार्केटिंग का एक ऑप्शन आपने बताया जैसे MRship वगैरह, बच्चे पर्टिकुलर जो कंपनीज होती हैं वो अपने मार्केट रिप्रेजेंटेटिव अपनी कंपनी के होल्ड करती है, मतलब उसको बिल्डअप करती है, तो उसके लिए भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं मार्केट की MRship में। अपना पर्सनल बिजनेस अगर स्टार्टअप करना चाहते हैं होल्ड रिटेल के लाइसेंस के थ्रू तो वो कर सकते हैं। और भी कई NDA है, पायलट प्लांट टेक्निक है, क्लिनिकल ट्रायल के फेज है, और भी कई सारे ऐसे स्टेप है ड्रग डेवलपमेंट के जहां पर बच्चे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में अपना कैरियर बिल्डअप कर सकते हैं। जी रीना जी, अगर बात की जाए कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें जो है शॉप खोलनी है, लेकिन दो जो डिफरेंस होते हैं काफी लोगों को नहीं पता होते, रिटेलर और होलसेलर की अगर आपने जिस तरीके से अभी बात की तो क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे कि रिटेलर क्या होता है और होलसेलर क्या होता है? जी मैम, रिटेल और होलसेलर मार्केट मैम ये होता है कि एक रिटेल शॉप मतलब लिमिटेड शॉप, एक सिंगल शॉप्स पे हमको सेलिंग करनी है या होलसेल मार्केट का हमको एक फ्रेंचाइजी लेनी है। हम अपने ड्रग लाइसेंस जो लाइसेंस है मैडम उस पर एक अप्रूवल होता है हमारी ड्रग कमेटी का, तो वो लाइसेंस हमको लेना पड़ता है कि आपको रिटेल शॉप ओपन करनी है या होलसेल की शॉप ओपन करनी है। रिटेल शॉप पे जो OPD ड्रग्स रहती हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग रहती हैं वही हम काउंटर पर सेल कर सकते हैं, और जो होलसेलर्स रहते हैं वो ओवरऑल जो मार्केट होता है हमारा फार्मा मार्केट, वहां से जो भी शॉप्स होती हैं मेडिसिन वो लोग परचेज करवा सकते हैं, ला सकते हैं, डायरेक्टली सप्लायर्स को सप्लाई कर सकते हैं, अदर सप्लायर्स के कॉन्टेक्ट में रह सकते हैं, अदर कंपनियों से उनके टाई अप रहते हैं। तो ड्रग्स जैसे कि हमारे यहाँ ओल्ड सिटी में दवा मार्केट है तो वहाँ मैक्सिमम जो शॉप रहती है वो रिटेलर की रहती है, वहाँ अलग अलग कंपनीज के थ्रू डायरेक्ट मेडिसिन सप्लाई होती हैं और शॉप में डिस्ट्रीब्यूट होती है। जो स्मॉल शॉप्स वाले होते हैं जो पर्सन वो वहाँ से ड्रग्स लेकर मेडिसिन लेकर अपने शॉप्स पे सेल करते हैं। एक बेसिक मैंने जनरल बताया, बाकी और भी टेक्निकल डिफ्रेंसिएशन है इनके अंदर जो हम फील्ड में जब जाएंगे तो वो चीज़ हमको और ज़्यादा समझ में आएगी। रीना जी, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया दवा बाजार का और जिस तरीके से फार्मेसी मार्केट ये सब है, तो ऐसी स्थिति में जब बात करें कि आखिर लाइसेंस के लिए रजिस्टर कैसे किया जाता है,
अक्सर जो प्रोसेस है बी फार्मेसी कंप्लीट डी फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन की आती है, तो कई बार उसी में बच्चे फंस के रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक एक्चुअल प्रोसेस क्या है, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी जी मैम, होता है मैम, कई बार स्टूडेंट्स भी हमारे पास प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, मैम हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो हम उनको बताते हैं ये प्रोसेस कि कुछ नहीं होता मैम, जब बच्चे का डिग्री कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि बी फार्मेसी या डिप्लोमा कोर्सेज उनके कंप्लीट, डिप्लोमा कोर्सेज में साथ साथ जो उनका ट्रेनिंग ड्यूरेशन है वो भी जब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट जब उनका जनरेट हो जाता है, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो सारे उनकी डिग्री है, जो फाइनल हमारी डिग्री प्रिंट होकर आती है, उसका जो सर्टिफिकेशन है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन लेकर हमारा जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जैसे हम एमपी के अभी रहने वाले हैं, तो मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जाकर हमें हमारे डॉक्यूमेंटेशन और एक ड्रग लाइसेंस एप्लीकेशन का फॉर्म होता है, वो फिलअप करके साथ में हमारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके वो सारा पूरा जो हमारा प्रोफार्मा है वो वहां जाकर सबमिट करना होता है। ये प्रोसेस ऑनलाइन भी हो गया मैम, ऑनलाइन भी हम इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं और विद इन अ मंथ और 15-20 डेज ये अप्रूवल मिल जाता है और 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका लाइसेंस जनरेट होकर बच्चे को एक लाइसेंस नंबर आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस आपका जनरेट होता है, जो उस बच्चे का रजिस्टर्ड प्रैक्टिस फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जो वो ईयर बाय ईयर रिन्यू होता जाता है। अभी जो रिन्यूअल पीरियड है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का वो 5 ईयर का है, जैसे बच्चा अगर 2020 में रजिस्टर्ड हुआ है तो वो 2025 तक उसका लाइसेंस पीरियड कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद उसे वो अपना जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। तो ये एक जनरल प्रोसेस होती है बच्चे, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। प्रॉब्लम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में आती है मैम, कभी गवर्नमेंट जो वेरिफिकेशन है वहां कहीं अटक जाता है, कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। बच्चा अगर सिंपली उसको समझ ले, डॉक्यूमेंटेशन अपने प्रॉपर लेके जाए, प्रोफार्मा अगर इक्वली भरा हुआ है तो किसी तरह का कोई दिक्कत उसमें नहीं होती है, सारी चीजें, और लाइसेंस भी बच्चे को इजीली मिल जाता है। डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही स्ट्रीम के बच्चे अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं। जी रीना जी, जिस तरीके से एक जॉब आपने भी सुनी होगी ड्रग इंस्पेक्टर की, जो बी फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, उसकी स्टडी का क्या लेवल होता है और किस तरीके से उसके लिए तैयारी की जाती है? जी मैम, ड्रग इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है मैडम, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने पोर्टल के थ्रू ही निकालती है, जो रजिस्टर्ड फार्मा डीआई का जो पोर्टल होता है उसके थ्रू पब्लिश होता है वो जो वैकेंसी होती है उसकी, और उसके लिए डिग्री वाले जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होते हैं, और कोई स्पेशल मैडम उसका क्राइटेरिया नहीं होता है कि कोई अलग से उसका सिलेबस हो। बच्चे 4 साल अपने बैचलर ऑफ फार्मेसी में या डिप्लोमा फार्मेसी में जो भी स्टडी करते हैं वही सारा कोर्स और सिलेबस आपके डीआई के फॉर्म में या क्वेश्चन आर में पूछा जाता है। अगर बच्चे ने डीप भी नहीं, अगर उसने मतलब सिंसियरली स्टडी किया है फार्मा को, अपने डिग्री ड्यूरेशन को, तो वो इजीली उस एग्जाम को कम्पीट कर सकता है। बात होती है कि वो रैंक स्कोर की या जो भी बच्चे वो रैंक लेकर आते हैं तो सिलेक्शन जो सीट होती है उसके अकॉर्डिंग ही स्टूडेंट का होता है, तो वो तो मैम आप भी जानती हैं कि आजकल कंपटीशन इतना है कि बच्चे लाखों में ट्राई करते, सीट्स लिमिटेड होती, तो जिसका लक हो वो रिजल्ट उसी के हाथ में होता है। बाकी ऐसा कोई स्पेशल सिलेबस या ऐसा कोई कोर्स नहीं होता है, जो बच्चे अपने डिग्री डिप्लोमा के कोर्सेज में पढ़ते हैं वही सिलेबस उन्हें डीआई के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्टडी करना पड़ता है। जी रीना जी, अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें, अक्सर पढ़ाई कर ली जॉब लग गई, सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई अब सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, अलग अलग अगर हम बात करें जो फील्ड है उसकी, हम QA की बात कर ले, R&D की बात कर ले और MR की बात कर ले, तो ऐसे क्या स्ट्रक्चर्स में डिफर होता है? जी मैम, एक छोटा सा लैडर स्टेप्स है हमारे फार्मा फील्ड का, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। नॉर्मल जैसे अगर हम बात करें सिंपल किसी फील्ड की R&D की, जहाँ से हम ड्रग मॉलिक्यूल का रिसर्च स्टार्ट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर जो स्टूडेंट होते हैं वो मास्टर इन फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट ज़्यादातर अप्लाई करते हैं और उन्हीं का वहाँ सिलेक्शन होता है। तो उन बच्चों की फील्ड में उन मतलब उस रेशियो उस कैडर में जो बच्चे आते हैं उनका जो सैलरी पैकेज होता है मैडम वो 3-4.5 एनुअल के अकॉर्डिंग होता है। तो उस रेशियो में जो बच्चे आते हैं उनका सैलरी पैकेज उस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो होता है मैडम हमारा NDA, मतलब ड्रग तो हमने मॉलिक्यूल मतलब ड्रग मॉलिक्यूल हमने फाइंड कर लिया R&D की हेल्प से। अब इसके बाद हम उस मॉलिक्यूल्स को डोजेस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब हम ये नहीं कह सकते ना कि जो मॉलिक्यूल हमारे पास है वो हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में ही बनाएंगे या लिक्विड में बनाएंगे या सेमी सॉलिड में बनाएंगे,
जिस भी फॉर्मुलेशन में, मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है, कई ऐसे डोज होते हैं मैडम, कई ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो सिर्फ लिक्विड डोजेस फॉर्म में ही हमारी बॉडी के अंदर कंफर्टेबल होते हैं, या सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर कंफर्टेबल होंगे, अदरवाइज वो स्पॉइल हो जाएंगे या अपना रिलीज एक्शन जो भी है वो बॉडी के अंदर शो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो डिसीजन होता है वो हमारा जो F&D डिपार्टमेंट, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो करते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे फार्मास्यूटिक्स से M-Pharm वाले बच्चे यहाँ पर जॉब करते हैं। तो इस F&D में काम करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका भी जो सैलरी पैकेज होता है मैम, एटलीस्ट 3 to 4.5 लाख NM के अकॉर्डिंग होता है। तो उस रेशियो में उनका जो है इम्प्लीमेंट या इंक्रीमेंट आगे लगाया जाता है। इसके बाद बात आती है मैडम मॉलिक्यूल डेवलपमेंट, हमने डिसाइड कर लिया कि उसका हमें लिक्विड डोजेस फॉर्म या सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाना है। अब इसके बाद बात आती है, वो डोजेस फॉर्म हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन जो ये मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी के लिए कंफर्टेबल है या नहीं, बॉडी के साथ किस तरह का रिस्पांस कर रहा है, बॉडी में किस तरह का रिएक्शन शो कर रहा है, ये सारी चीजें हम कहाँ पर स्टडी आउट करवाते हैं बच्चों को, फार्माकोलॉजी स्ट्रीम के अंदर। फार्माकोलॉजी स्ट्रीम जो है वो पूरी डिपेंड होती है हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिस पर। क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो ह्यूमंस वॉलंटियर पर भी किए जाते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी किए जाते हैं। तो इस स्ट्रीम के अंदर जो बच्चे जॉब करते हैं वो फार्माकोलॉजी में M-Pharm जो बच्चे होते हैं उन बच्चों का यहाँ पर अप्लाइंग या उनका जो जॉब प्रोफार्म है वो वहाँ पर चूज किया जाता है। फार्माकोलॉजी से M-Pharm स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं तो उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो एटलीस्ट 4 to 5.5 के कैडर रेशियो में होते हैं, क्योंकि इनका जो वर्क है मैडम वो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी से कॉन्टेक्ट में होता है जी। तो उनकी जो मेन स्टडी है वो इन्हीं की होती है कि बॉडी के ऊपर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट, कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो बॉडी के साथ कंफर्टेबल है या नहीं। तो ये सारी स्टडी हम क्लिनिकल ट्रायल फेजेस के थ्रू बच्चों को स्टडी आउट करवाते हैं। तो इस रेशियो में जो बच्चे हैं उनका जो सैलरी पैकेज डिसाइड किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल की जो फील्ड है उसमें मैडम लगभग 4 to 5.5 NM की जो एनुअल इनकम है उस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। अब इसके बाद मैडम हम आते हैं, जब क्लिनिकल ट्रायल हो जाते हैं तो फाइनली हम क्या करते हैं, लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। अब हमने ये डिसाइड कर लिया था कि जो मॉलिक्यूल हमने डेवलप किया था उसका हम सॉलिड डोजेस फॉर्म बनाएंगे। डोजेस फॉर्म से अगर हम मतलब समझें तो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ डोजेस फॉर्म होते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मेसी डिपार्टमेंट, जैसे कि सॉलिड डोजेस फॉर्म हो गया, लिक्विड हो गया, सेमी सॉलिड हो गया, इमल्शन हो गया, ऑइंटमेंट हो गया, सस्पेंशन हो गया, बहुत सारे डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं, पैरेंटल हो गया, ओरल, हर तरह के हमारे डोजेस फॉर्म रहते हैं। सपोज मैंने पैरासिटामोल को सॉलिड डोजेस फॉर्म में डेवलप करने के लिए ये मॉलिक्यूल डेवलप किया था, अब एक लार्ज स्केल अप है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्शन लाइन, प्रोडक्शन फील्ड कहते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन करती हैं उस मॉलिक्यूल का एक लार्ज स्केल अप पे, मतलब हमें बहुत बल्क में वो डोजेस फॉर्म बनाना है और उसे अलग अलग जो डिमांड है हमारी कंपनी की, हमारे मार्केट की, उसके हिसाब से हमें उन सप्लायर्स को सप्लाई करना है। तो वो जो मेजर प्रोस्पेक्टिव है प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज का, वो वहां जो स्टूडेंट्स अपना करियर अप्लाई करते हैं या वहाँ जो स्टूडेंट जाते हैं सिलेक्ट होकर, उनका जो एनुअल इनकम पैकेज होता है वो भी मैडम 4.5 to 5.5 के रेशियो में होता है। और उसमें भी डिफरेंट मैडम क्या होते हैं उनके इस प्रमोशन क्राइटेरिया अटायर्स होते हैं, जैसे कि अभी आप जूनियर प्रैक्टिसनर के उस पर गए, फिर आप सीनियर प्रैक्टिस उसमें चले जाते हैं, साइंटिस्ट में चले जाते हैं, फिर डेवलपर में चले जाते हैं, मैनेजर बनते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, ये सारे अलग अलग उनको क्या है प्रमोटिव कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। प्रोडक्शन के बाद फाइनली बात आती है हमारे इवैल्यूएशन और हमारे ट्रीटमेंट की, जो भी हमने फाइनल जो प्रोडक्ट डेवलप किया है वो अच्छी क्वालिटी का बना है या नहीं, उसका रेशियो कितना है, जो हमने फाइनली हमारा प्री फॉर्मुलेटिंग क्राइटेरिया डिसाइड किया था उस हिसाब से सारे इवैल्यूएशन पैरामीटर हमारी ड्रग फॉलो कर रही है या नहीं, तो वो हमारा QA QC डिपार्टमेंट होता है मैडम, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट जो बच्चे होते हैं वो हमारे वो भी लगभग QA QC M-Pharm बच्चे होते हैं, या हम सुटिक्स के बच्चों को भी QA QC डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो उनका डॉक्टर रीना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, कौन सी फील्ड्स होती है। तो देखा आपने कि डॉक्टर रीना शिंदे जो फैकल्टी ऑफ फार्मेसी है भाभा यूनिवर्सिटी भोपाल की, उन्होंने बताया कि फार्मेसी क्या है, कौन से कोर्सेज है, स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है और बाकी सारी चीजें भी उन्होंने डिटेल में हमें जानकारी दी है। तो इसी तरीके के खास प्रोग्राम हम आपके लिए लाते रहेंगे, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।